I am S. K. Mishra and I welcome you to the Sharp Career. तमाम जगह आपने सुना होगा, न्यूज में सुना होगा, टेलीविजन में सुना होगा, बहुत सारी जगह आपने देखा होगा इस शब्द को गद्दार। गद्दार शब्द की अंग्रेजी क्या होती है ये भी हमें सीखना चाहिए। महिला गद्दार की अंग्रेजी क्या होती है ये भी हमें सीखना चाहिए। ट्रेटर गद्दार को कहते हैं, पुरुष गद्दार को। यदि महिला गद्दार है तो ट्रेटर में ई डबल एस और जोड़ दें, ट्रेट्रेस। ये मैंने लिखा है, हिंदी भी लिखी है, अंग्रेजी भी लिखी है। सिनोनिम्स देखें, डिसलॉयल, इम्पोस्टर, बीट्रेयर, तीन होती हैं ये। बी वेयर, अब सेंटेंस देखें, बी वेयर ऑफ ट्रेटर्स, गद्दारों से सावधान। ही हैज टर्न्ड ए ट्रेटर, वो एक गद्दार बन गया है, टर्न बन गया है या हो गया है। ही हैज टर्न्ड ए ट्रेटर, ही वाज ए ट्रेटर टू हिज कंट्री, वो अपने देश का गद्दार था। है तो इज लगा दें, इतना कर दें। दंगाई, दंगा तो आपने सुना ही होगा कि दंगा भड़क गया, दंगा हो गया। ये आखिर इसकी अंग्रेजी क्या होती है, आपने अंग्रेजी भी सुनी होगी लेकिन स्पेलिंग आपको नहीं पता होगी। राइट, आर आई ओ टी, राइट, राइट माने दंगा, राइटर माने दंगाई, इसको राइटर बोलेंगे, राइटर माने दंगाई, आर आई ओ टी ई आर, ये भी एक नाउन है। ट्रेटर भी एक नाउन है। अब देखें इसका सेंटेंस यूज कैसे होगा। ही इज द राइटर हु स्टार्टेड द फाइट फर्स्ट, जिसने पहले लड़ाई शुरू की वो दंगाई है। ही इज द राइटर, वो दंगाई है। हु स्टार्टेड, जिसने लड़ाई पहले शुरू की, स्टार्टेड द फाइट फर्स्ट। देशद्रोह की अंग्रेजी क्या होगी, बड़ी जाननी जरूरी है ये चीजें अंग्रेजी में। देशद्रोह अंग्रेजी होगी ट्रीजन, टी आर ई ए एस ओ एन, ट्रीजन। अब यूज देखें इसका, ही वाज कन्विक्टेड ऑफ ट्रीजन, उस पर देशद्रोह का इल्जाम लगाया गया। ही विल बी सेंट आउट ऑफ द कंट्री फॉर ट्रीजन, देशद्रोह के लिए उसे देश से बाहर भेज दिया जाएगा या निकाल दिया जाएगा। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।